नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शब्द रूप के बारे में। जी, शब्द रूप में आपका अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर पेपर में ना यही चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। अकारांत ये होता क्या है? एक्चुअली ये मात्रा पर डिपेंड करता है। किसी भी शब्द के जो आप किसी भी वर्ड में किसी में जब आखिरी में जो शब्द लिखा रहता है उसकी जो मात्रा होती है वो उसका शब्द रूप बताता है। अकारांत मतलब छोटा आ की मात्रा है। जैसे ये दो तरीके से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होता है। पुल्लिंग में से राम, तो आखिरी में मां लिखा है, छोटा आ की मात्रा, इसलिए अकारांत। नपुंसक लिंग में से फल लिखा है, क्या लिखा है, फल, तो फल में भी आपका आ की मात्रा है, इसलिए इसको बोलेंगे अकारांत। बड़ा आ, बड़ा आ का जैसे सीता, लता, गीता, तो बड़ा आ रहा है आखिरी में, इसलिए आपका अकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग जैसे नदी, जैसे जो भी आपका इकारांत में आता है बड़ी मात्रा में यहाँ आ गया। उकारांत, उकारांत भी ऊ की मात्रा, जैसे उकारांत में पुल्लिंग होता है ऊ की मात्रा, साधु ऊ की मात्रा। और रिकारांत, रिकारांत भी जिसमें रा, ये ऋण ऋषि वाला जो होता है उसकी मात्रा, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती पितृ और मात्र। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे दे के बताई क्या होते हैं। अब इसमें हम जो फॉर्मूले मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसे अधिकतर अभी तक आपने किसी भी जगह ये ट्रिक नहीं देखी होगी, मैं आपको ट्रिक बताने वाला जिससे आप पूरी सातों व्यक्तियों में तीनों वचनों में इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में इस तरीके से आता है। जैसे राम का अकारांत में पंचविभक्ति में लिख कर शब्द रूप लिखिए, तो इसमें आप नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आपको बहुत याद करना पड़ता है, तो आप यूं चुटकियों में इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं अकारांत पुल्लिंग पे। अकारांत पुल्लिंग में हम राम की विभक्ति बनाने वाले हैं। अकारांत पुल्लिंग में हम अकारांत पुल्लिंग में हम अगर हमें दिया जाए कि राम की विभक्ति निकालो, अब राम के लिए करना है, हमें किसके लिए करना है, राम के लिए करना है, तो इसमें आपको पता ही विभक्तियाँ पूरी सातों की सात विभक्ति संबोधन सहित एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें आपको बनाना है। तो एक ट्रिक है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक वचन की ट्रिक होती है और ये बहुवचन की ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है, कैसे यूज करना है आप समझिएगा। अम एड़ा याद सोए, क्या लिखा है, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। अम एड़ यात स्वय ए, अम एड़ यात स्वय ए, इसको मैंने अम एड़ यात स्वय ए। तो जी हाँ, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे मैं आपको पहले एक बात बता दूँ। जो ट्रिक चालू होती है वो द्वितीय व्यक्ति से होती है, प्रथम व्यक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, जो होगी आपकी राम है रामव रामहा, राम है रामव रामहा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, द्विवचन ये आपका है एक वचन की ट्रिक, ये है बहुवचन की ट्रिक। द्वितीय द्विवचन की ट्रिक क्या होती है, द्विवचन की ट्रिक ये होती है रामव रामव दो बार, रामाभ्यम तीन बार, और रामेव दो बार, रामेव दो बार। और जो आपका एक वचन होता है वही आपके संबोधन के लिए होता है, हे रामव। जो आपका संबोधन होता है वो हमेशा आप जो ऊपर एक वचन में लिखा होता है प्रथम व्यक्ति में लिखा होता है वही आपको यहाँ लिखना है। वैसे आप यहाँ लिख देंगे हे राम है, और यहाँ आप लिख देंगे हे राम, हाँ ये आप लिख देंगे हे राम। तो आपने देखा कि इसकी जो ट्रिक क्या होती है, रामयु रामव दो बार, रामाभ्यम रामाभ्यम तीन बार, रामयु रामयु दो बार। और जो आपका एक प्रथम व्यक्ति में करता हूँ उन्हीं को संबोधन में लिख देते हैं, ये एक ट्रिक आपको हो गई। अब इसके बाद एक वचन की ट्रिक क्या होती है, मैंने आपको बताया अम एड़ याद स्वय, इसको आप रिदम में पढ़ेंगे अम एड़ा याद स्वय, अम एड़ा याद स्वय, अम एड़ याद स्वय। तो ये हो गया आपका ये द्वितीय व्यक्ति में, तो ये हो जाएगा आपका राम लिख देंगे तो जाएगा रामम, एड़ तो रामेण, देखिएगा मात्रा आपको लगानी पड़ेगी एक ही, मतलब रामेण, ये आपको जाएगा रामाय, ये हो जाएगा आपका रामात, और ये आपका रामश्य, आपकी एक ही मात्रा ही, तो ये हो जाएगा राम है। तो देखिएगा अम एड़ याद स्वय ए, अम एड़ याद स्वय ए, तो देखिएगा ध्यान से आपने बिल्कुल बकायदे से वैल्यू पुट कर दी है, तो आपको याद करना है अम एड़ याद स्वय ए, तो ये द्वितीय व्यक्ति से चालू होता है। अब उसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं, इसको अलग करेंगे तो जाएगा आन एभ्यम एभ्यम दो बार, एभ्यम एभ्यम अड़ाम एसु अड़ाम एसु, ये इस तरीके से अलग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः बन गए आपके छः। अब हम इसे वैल्यू रख, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप पुट करेंगे तो हो जाएगा रामान, क्या हो जाएगा रामान। अब यहाँ पे अई की मात्रा, यहाँ बिंदी रखी है ना, इसको मतलब आपको विसर्ग में कन्वर्ट करना, तो राम है जाएगा रामेभ्य रामेभ्य रामेभ्य, और ये रामाणाम
रामाराम, और ये हो जाएगा रामेशु। क्या हो जाएगा? रामेशु। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, सातों की सातों व्यक्तियां। तो क्या था? आन एभ्यम एभ्यम अड़ाम एसु। तो आन एभ्यम अड़ाम एसु अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो अम एड़ा याद सो है आन एभ्यम अड़ाम एसु, ये आपके दोनों की फॉर्मूला हो गए। अम एड़ा याद सो है आन एभ्यम अड़ाम एसु। इस तरीके से आपको पहला आपको याद रखना राम है रामऊ रामा, बाकी फिर इसमें बीच वाले में रामऊ 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 दो बार, रामाभ्यम रामाभ्यम तीन बार, रामेव रामेव दो बार, और हे रामा जो पहला होता है प्रथम भक्ति वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसी के साथ आपके राम का हो गया। इसी के राम के साथ साथ आप बहुत सारे जो जिनमें पुरलिंग में जिनमें छोटा आ की मात्रा आखिरी में आती है उनका आप सभी के लिख सकते, बाल का अध्यापक का ये सभी के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से वो भी फॉलो होंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आते हैं फल पे, नपुंसक लिंग वाले पे आते हैं, उसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो अब हम आते हैं नपुंसक, अभी हम आते हैं अकारांत पुरलिंग पे, हम आते हैं अकारांत नपुंसक लिंग पे, जिसमें क्या होता है कि आपका जैसे कोई भी नपुंसक लिंग छोटा की मात्रा वाले आएंगे तो हम उसमें राम इसमें फल का कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें आपका जो एक वचन का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम टू सेम, जो आपका पुरलिंग का होता है वही नपुंसक लिंग का होता है, और जो आपका बहुवचन का फॉर्मूला वही आपका इसका भी होता है, बस वहां पे आन ए एभ्यम अड़ाम एसु, यहाँ पे आन ही है, बस आन की जगह क्या है यहाँ पे आन ही है, और कोई भी फर्क यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें पता है पहला वाला तो हमें याद रखना पड़ेगा, तो पहला होगा आपका फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये पहली लाइन आपको याद रखनी है। तो फलम फले फलानी ये आपको पहली लाइन याद रखनी है, बाकी हम इसको क्या करेंगे इसमें आप तक फले फले दो बार, फलाभ्यम फलाभ्यम फलाभ्याम, और आपका फलाभ्याम ये आपके कितने बार आएंगे? तीन बार, ये आपके फले फले दो बार, और फलेओ 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 आपके कितने बार आ जाएंगे? आपके दो बार, और यहाँ पे आपका हे फले ये आपका संबोधन में हो गया। तो ये तो आपके इसकी ट्रिक हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे तो वही अम अलग कर देंगे, अम एड़ या त स्व और ये आपका ए, तो आपका क्या हो जाएगा अम, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका ये फलम और इसका फलेण। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जब भी आप ये यूज़ कर रहे होते हैं नपुंसक लिंग में तो जुड़ा होता है वो ना हो जाता है, जुड़ा होता है आपका जुड़ा वो आपका ना में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एड़ लिखा है तो आप फलेन लिखेंगे, सही हो जाएगा, फिर फलाए फलात फलश और इसके बाद हो जाएगा आपका फले, ठीक है। बस ये फॉर्मूले मैंने वैल्यू रख दी, अब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये फलानी, देखो आनी, फिर वही आपका एबियम, फिर ये आपका एबियम, एबियम कितनी बार आता है? दो बार आता है एबियम एबियम, फिर अड़ाम की जगह ये अनाम हो जाएगा अनाम, और फिर इसके बाद एसु अनाम एसु। तो जैसे हमने इसको करा अब हम इसे वैल्यू रखते हैं, तो फला इसके बाद ए अं की मात्रा है तो ये आपका फले, और यहाँ मैंने बोला था यहाँ पे बेसी बिंदु आई था वो विसर्ग रखना है, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा फलेभ्य 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 फलानाम, और आपको जाएगा फलेशु, और ये है फलानी। तो इसी के साथ आपका ये बिल्कुल फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी तो आपका ये पूरा बन गया अकारांत नपुंसक लिंग का। इसमें आप जितने भी फलम वनम जो छोटा की मात्रा जितने भी नपुंसक लिंग में आते हैं आप उनका आराम से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग पे, बड़ा की मात्रा में हम स्त्रीलिंग में आएंगे इसी ट्रिक के साथ। तो हम शुरू करते हैं आकारांत सीता पर, आकारांत स्त्रीलिंग मतलब हमें सीता का हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। तो एक वचन में तो आपको याद रखना पड़ेगा हो जाएगा सीता सीते और सीता, ये आपका पहली जो प्रथमा विभक्ति में आपको याद रखना पड़ेगा सीता सीते सीता। तो अब आपको पता ही है, अब आपको पता ही है कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीते सीते दो बार, फिर वो सीताभ्यम 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 तीन बार, और ये आपको जाएगा सीते हो दो बार, और इसी के साथ आपका जो यहाँ पे लिखूँगा मैं हे सीते लिखूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, एक वचन का फॉर्मूला है अम या अयाम, इसको ब्रेक करें जरा समझिएगा, अम या ये आई मतलब आपका ये आई या, तो या ये होगा या पे यहाँ पे याम ये मतलब मात्रा बिंदी आएगी या आया याम,
अम या आई आया याम, ये होगा इसका याद करने का फॉर्मूला। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा सीताम, क्या हो जाएगा सीताम, सीताया हो जाएगा, सीतिये आई की मात्रा जाएगी सीतिये, सीतिये सीताया भाई मात्रा, तो यहाँ पर जाएगा सीता ये सी, तो मैंने आपको बता दिया अगर ऊपर बिंदी रखी हो तो क्या करना है, तो सीता हा यह सीता यह और सीतायाम, और ये हो जाएगा हे सीता, हे सीता। अब उसी तरीके से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे अम ये इसका है अम भीम भयम भयम प्लस नाम प्लस सु, तो ये बहुवचन में फॉर्मेट रखेंगे तो हो जाएगा सीता हा। आपको पता ही है कि ये जो मात बिंदी आएगी तो आग की मात्रा तो लगी नहीं, तो बिंदी आएगी सीता, जाएगा सीता भी जाएगा आपका सीताभ्यम, सीताभ्य मतलब सीताभ्य, और हो जाएगा सीता नाम, हो जाएगा सीता सु, और ये हो जाएगा हे सीता हा। तो इस तरीके से आपका ये अकारांत स्त्रीलिंग भी कंप्लीट हो गया। सो फॉर्मूला आपको याद रखना है अम या आई आयाम आम भीम भयम नाम सु, अम भीम भयम नाम सु। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक के थ्रू ही आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अगर और भी इकारांत ओकारांत रिकारांत इन सब के नकारांत इन सब के आपको ट्रिक वाइज पूरे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, और एम करते हैं इस पर 500 लाइक। अगर आप 500 लाइक करते हैं इस वीडियो पर तो मैं संस्कृत ग्रामर पे लेकर और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।